हे डॉग लवर, स्वागत है आप सभी का हमारे आपके चैनल पेट मिक्स में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले न्यू पपी के बारे में, यानी न्यू पपी के आने के बाद आपको उसको क्या क्या खाने को देना चाहिए, किस तरह से देना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में देना चाहिए, उसके बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे जो फर्स्ट टाइम डॉग ओनर होते हैं या फिर नए लोग होते हैं जिनको पपीज़ के बारे में इतना कुछ नहीं पता होता है, तो वो क्या करते हैं, गलती से कुछ भी खाने को दे देते हैं, जिसके कारण पपी के हेल्थ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। क्योंकि अगर आप एक अच्छा क्वालिटी का अच्छा तगड़ा डॉग लेते हो तो उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा चार्ज देना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं। तो आप एक अच्छा डॉग लेके आते हो, पपी लेके आते हो, उसके बाद उसको अगर अच्छे डाइट पे आप फॉलो नहीं करते तो उसके पपी की हेल्थ डिक्रीज हो जाती है और आपका पपी ये कभी कभार बीमार पड़ सकता है या फिर लूज मोशन, ऐसे बहुत सारी उसको तकलीफ हो सकती है खाने के कारण या फिर खाने में कुछ देने के कारण। तो इस वीडियो में आपको सभी बताने वाला हूँ कि किस तरह से देना चाहिए, क्या क्या देना चाहिए। तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कीजिएगा। और मेरी बनाई वीडियो अगर आपको पसंद आती तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ, फेसबुक व्हाट्सएप पर जहाँ पर भी आप शेयर कर सको। चलो शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग क्या गलती करते थे कि जल्दबाजी में क्या करते हैं कि जल्दी से जल्दी पपी लाना है या फिर उनको खुशी के कारण जल्दी से जल्दी लेके आना होता है, तो ऐसे वो लोग क्या करते हैं 30 डेज़ का पपी ले लेते हैं, कोई कोई 25 डेज़ का भी ले लेते हैं। तो ये भूल आप कभी भी मत करना, एटलीस्ट उसको 50 डेज़ का या 45 डेज़ का होना चाहिए। जब तक उसको मदर मिल्क मिलता रहता है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहता है, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि नेचुरली भगवान से ही वो जो उसकी मदर मिल्क आता है उसमें सारे पोषण तत्व आपको मिल जाते हैं उसके पपी को, जितने चाहिए उतने। और उसमें जो गर्माहट होती है उसके कारण आपका पपी काफ़ी ज़्यादा सेफ रहता है और उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। और वही बात करें हम अगर जल्दबाजी के चलते उसको लेके आते, पपी छोटा होता है, उसको खाने को कुछ दे नहीं पाते, कुछ भी वो खा भी नहीं पाता, तो उसके चलते उसको गर्माहट भी नहीं मिलती, पोषण भी नहीं मिलता, आगे जाके बहुत सारे डिजीज़ का उसको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए एटलीस्ट 50 या 45 डेज़ का हो तो ज़रूर से आप उसके बाद ही आप घर पर लेके आइएगा। और घर पर लेके आने के बाद भी वो जो डॉग सेलर होता है या फिर डॉग शॉप वाला होता है या फिर ब्रीडर होता है, उनको पूछिएगा कि इनको पहले क्या करता, मदर मिल्क देते थे या फिर और भी कुछ उसको खाने में देते थे। कोई कोई क्या करता है डॉग को हेल्दी रखने के लिए, उनका अच्छे से डाइट वो फॉलो करते, तो वो आपको ज़रूर से बताएगा कि हम ये देते थे। अगर आप उनको पूछोगे तो ज़रूर से आपको बताएंगे। अगर आप ऐसा करते उनको पूछते नहीं, आपके मन से अगर घर पे लाके कुछ भी फीडिंग चालू कर देते हो तो चांसेस है कि पपी का जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो जल्दी से जल्दी ख़राब हो जाएगा और जो पपी लूज मोशन या फिर वॉमिटिंग करने लग जाएगा। और बहुत सारे न्यू डॉग ओनर क्या गलती करते हैं कि उनको पता नहीं होता है, उनकी भी कुछ प्रॉब्लम या फिर दिक्कत के कारण क्या होता है, उनको कभी समझ नहीं आता क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। ऐसे में वो बिस्किट्स देते हैं या फिर रोटी वगैरह दे देते हैं या फिर जो दूध होता है बटर मिल्क भी कभी कभार ज़्यादा दे देते हैं, दही भी ज़्यादा दे देते हैं, तो उसके कारण उसका डाइजेस्ट सिस्टम पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। आपका पपी वॉमिटिंग करने लगेगा, उसको लूज मोशन होने लगेगा और उसके चलते चलते वो बुखार हो जाएगा, फिर बुखार होने के कारण वो खाना नहीं खाता, उसके कारण उसकी जो बॉडी है काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है। तो कभी भी आप ऐसा बिल्कुल भी घर का खाना कुछ भी डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करना, आपको जो डॉग ब्रीडर डॉग सेलर करता था उनको पूछ के थोड़े दिन वही आपको कंटिन्यू करना है, फिर धीरे धीरे आपको चेंज करना है। चेंज आपको ये करना है कि आपको उसको जगह पे आप सेरलैक्स उसको दे सकते हैं। सेरलैक्स आपको जो है मार्केट में आराम से मिल जाएगा, अभी तो ऑनलाइन भी मिलता है डॉग का सेरलैक्स। अगर डॉग का सेरलैक्स आपको नहीं मिल रहा कहीं से भी तो आप जो बच्चों वाला मेडिकल में आता है सेरलैक्स स्टेज 1 का स्टेज 2 का, उस तरह से आप उसको दे सकते हैं। और जो सेरलैक्स आता है मेडिकल में वो भी आपको जो है थोड़े से गुनगुने पानी में यानी थोड़ा बहुत पानी गर्म करना है, उसके अंदर आपको 1-2 चम्मच डाल के उसको देना है। ऐसे आपको दिन में 4-5 बार आप दे सकते हैं धीरे धीरे, क्योंकि वो जो सेरलैक्स होता है वो आसानी से आपका डॉग जो है पचा देता है, उसको पेट में कोई दिक्कत नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और उसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं जो कैल्शियम होते हैं जो पपी एज में उसको जो चाहिए वो मिल जाएगा, उसके कारण आपका पपी का पेट हमेशा जो है भरा रहेगा। और ध्यान रखना, हमेशा आपका पपी का पेट भरा होना ही जरूरी है। आप थोड़े थोड़े टाइम में दे सकते, एक साथ नहीं देना है आपको कि 2 टाइम में आप 2 तो वो खा लेगा, ऐसा नहीं है। आपको तो आधे आधे घंटे 1-1 घंटे में आपको जो है उसको देना है। इसके अलावा आपको जल्दी से उसको बॉयल एग नहीं देना, चिकन नहीं देना है, आपको घर का कुछ भी रोटी वगैरह दूध वगैरह बिल्कुल नहीं देना, दूध उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, ध्यान रखना है। दूध आपको आगे भी आप नहीं देना, कभी कभार अगर जो बड़ी एज हो जाती है उसका, आप 6-7 मंथ का होता है तो कभी कभार आप दो तो प्रॉब्लम नहीं आती, बट रेगुलर बेसिस पे अगर आप दोगे तो उसका डाइजेस्ट सिस्टम पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। क्योंकि जो स्ट्रीट डॉग होते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट कर लगते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती दूध में, बट अगर आप अपना घर का दूध पप्पीज़ को दोगे तो उसको डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम तो पहले से देते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ऐसा नहीं, बट आगे जाके थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, क्योंकि स्ट्रीट डॉग है अच्छे से वो डाइजेस्ट कर सकते हैं, उतने आपका जो पपी है वो नहीं कर पाता, क्योंकि उनका डीएनए मदर फादर का भी उसका डीएनए आपको देखना पड़ता है, उस तरह से उसका फीडिंग भी आपको उस तरह से रखना पड़ता है, क्योंकि वो क्वालिटी वो ब्रीड पूरी तरह से अलग पड़ जाती है। तो उस तरह से
खाना है जो है देना पड़ सकता है। उसके अलावा आप दही वगैरह दे सकते हैं। दही आपको थोड़ी एज में, जैसे कि आपको पपी लाते हो तो 15 से एक मंथ तक आपको उसको सेरेलैक्स देना है। या फिर मिल्क रिप्लेसर भी आता है जो आप मार्केट से ला सकते हो, और जो पपीज़ के लिए आता है वो पाउडर आता है, उस तरह से भी आप ला के दे सकते हो। उसके अलावा थोड़े थोड़े दिन बाद, जैसे 15-20 दिन हो जाने के बाद जो है उसको आप थोड़ा बहुत दही भी दे सकते हो। दही उसके लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, कर्ड आप बोल सकते हो। वो उसके डाइजेस्ट सिस्टम के लिए, उसकी इम्यूनिटी शक्ति काफ़ी अच्छा होता है, तो वो भी आप दे सकते हैं। उसके अलावा जैसे आप 1.5-2 महीने तक सेरेलैक्स और ये सब देते हैं, उसके अलावा डायरेक्ट आपको रोटी पे भी शिफ्ट नहीं करना है। आपको क्या करना है, पपी स्टार्टर फूड आता है वो आपको धीरे धीरे करके स्टार्ट करना है। पपी स्टार्टर आप फूड आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपके पास जितना बजट है उस हिसाब से लीजिएगा। अगर आपका पपी वीकनेस है, थोड़ा बहुत वीक लग रहा है, आपको तगड़ा करना है, तो आप रॉयल कैनन के साथ जा सकते हैं। वो थोड़ा बहुत महंगा आएगा, बट आपके जो पपी है उसके बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा असर कर सकता है। उसके अलावा अगर आपको वो भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते, उसका बजट भी ज़्यादा है, तो आप जो है पेडिग्री का भी ला सकते हैं। पेडिग्री के भी बहुत सारे पपी स्टार्टर फूड आते हैं, वो आप जो है उनको दे सकते हैं। और एक बात ध्यान रखना, पपी स्टार्टर फूड अलग आता है, और जो पपी वाला फूड होता है वो आता है अलग से, और एडल्ट वाला अलग आता है। इसलिए पपी स्टार्टर फूड आप ही ध्यान रखना। आप ऑनलाइन बाय करते हो तो भी वो डिस्क्रिप्शन पूरी तरह से चेक कर लेना, और जो आप अगर ऑफलाइन लेते तो वहाँ पे भी आप चेक कर लेना कि पपी स्टार्टर फूड किसे कहते हैं। तो क्योंकि कभी कभार लोग क्या करते हैं, पपी एडल्ट वाला फूड ला के दे देते, क्योंकि एडल्ट वाला काफ़ी ज़्यादा जो उसके दाने बड़े होते हैं वो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं कर पाता, वो बड़े डॉग के लिए होता है। पपी वाला अलग आता है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। और जैसे घर पे लाने के बाद आपके पपी की एज, जैसे कि घर पे ऑलरेडी अपने 45 डेज़ का तो ले चुके हैं, उसके बाद जैसे 1.5-2 मंथ हो जाता है, तो आपके पपी की एज 3 मंथ या 4 मंथ के आसपास हो जाती है। तो आप जो है धीरे धीरे उसको घर की रोटी थोड़ी थोड़ी करके स्टार्ट करना है, एकदम से बिल्कुल नहीं करना। आपको थोड़ा थोड़ा करके उसको देना है। रोटी दे सकते हैं आप, जैसे कि छाछ वगैरह दे सकते हैं, बटर मिल्क उसे बोलते हैं वो आप दे सकते हैं, और दही वगैरह दे सकते हैं। फिर पपी स्टार्टर फूड तो आपको स्टार्ट ही करना है। उसके अलावा जो बहुत सारे लोग, क्या होता है पपी के अंदर कैल्शियम की कमी होती है, तो कैल्शियम की दवा वगैरह आती है वो भी आप दे सकते हैं। वो खाने के अंदर आप ऐड मत कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है वो खाने के अंदर ऐड करने के चलते बहुत सारे पपीज़ के खाना छोड़ देते हैं। इसलिए आप ऐसे ही उसको दीजिएगा, पहले से हैबिट लगाइएगा कि सीधा आप उसको मुँह के अंदर डाल के आप दे सकते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा और सेफ रहेगा, जिसके कारण आपका पपी जो है खाने के अंदर कोई दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं आएगी। पानी आपको रेगुलर बेसिस पे उसको देना है, जितना हो सके उतना उसको हाइड्रेट रखना है, उसके साथ खेलना है प्रॉपर तरीके से, उसका एक्सरसाइज करानी है, जितना हो सके उतना आपको उसके ऊपर ध्यान देना है। और नया पपी हो तो घर में बहुत सारा टाइम आपको पोटी करेगा, टॉयलेट करेगा, और बहुत जगह पे गंदा गंदा करना चालू कर देगा, क्योंकि नया नया पपी होता है तो कम से कम दिन में 3-4 बार वो टॉयलेट और पोटी करेगा। बट आगे जाके वो धीरे धीरे कम करके 2 टाइम वो शिफ्ट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारे जो फैमिली मेम्बर हमें बोलते हैं कि सर हमारा पपी बार बार पोटी कर रहा है, तो वो थोड़े दिन के लिए होता है, उसके बाद वो सही हो जाता है, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। और न्यू पपी आता है तो उसका जो है बॉडी चेकअप आप ज़रूर से करना है, एक बार डॉक्टर के पास जाके उसका वैक्सीनेशन डिवॉर्मिंग आपको ज़रूर से करानी है, और डॉक्टर चेकअप करेगा तो वो सब कुछ आपको बता देगा। तो डॉक्टर के पास चेकअप कराने आप ज़रूर से ले जाएगा, और वैक्सीनेशन डिवॉर्मिंग आपको कंपलसरी करानी है। सो गाइस, आशा करता हूं आप सबको वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कोई दिक्कत प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।